नमस्कार दोस्तों, रोजगार विदंकित चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास 2 है, सेकंड वाली। इसमें हम नाउन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स हैं उनको आगे पढ़ेंगे। एक क्लास हम अभी तक कर चुके हैं नाउन के ऊपर ही, और चैप्टर हमारे हो चुके हैं 3, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अभी ये दो क्लास, यानी आज ये क्लास खत्म होने के बाद कल और परसों क्लास रहेगी। किस चीज़ की? प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी जो कॉमन एरर्स हैं लगभग 100 के आसपास, वो देखेंगे। उसके बाद उससे आगे हम एडजेक्टिव की कॉमन एरर्स देखेंगे। तो यानी आज ये क्लास करने के बाद आप एक बार प्रोनाउन को पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। लेकिन सबसे पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले, मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी क्लास चल रही है अभी ग्रामर की, दिसंबर तक तो बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। जनवरी में अभी थोड़ी सी, 1 जनवरी से ये थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, मैं जिसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अभी आगे के लिए ये क्लास जो है बिल्कुल लगातार चलेगी, कम से कम 5 क्लास, और हो सका तो 6 से 7 तक हर वीक में अब डालूँगा, ठीक है? और मतलब 5 क्लास कम से कम वीक में मैं डालूँगा। और उसके अलावा एक चीज़ और, कि क्लास जो है हमारी 7 AM ही रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास उस टाइम नहीं ली जा पाती है, अगर रेयर केस में, तो फिर आप एक बार चैनल को 11 बजे, और सुबह के 11 बजे, और खोल के देख सकते हैं, ठीक है? जिस दिन सुबह 7 बजे क्लास ना डले, उस दिन आप 11 बजे और देख सकते हैं। तो अगर 7 बजे मैं नहीं डाल पाऊंगा किसी दिन, तो 11 बजे क्लास रहेगी। उस सब जो एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है आपसे, वो ये है कि देखिए, जो मैं आपकी 45-50 मिनट्स की क्लास लेता हूँ, ठीक है, उसमें हर चैप्टर की 5 से 6 क्लास होती हैं। तो पहली और दूसरी, ठीक है, मतलब लगभग 2 क्लास जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट समझाने पे मैं लगाता हूँ, जो कि हर बुक में नहीं मिलती हैं। अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो हर बुक में भी नहीं मिलेंगी, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो टीचर के पास भी नहीं मिलती हैं, ठीक है? क्योंकि वो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कई टीचर, वो कहते हैं ये तो बेसिक चीज़ें, इनका क्या है। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि हम अगर ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे ना, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए, नींव तो सही होनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो क्लास पहली या दूसरी, कभी कभी 1 क्लास में ही खत्म हो जाता है, कभी कभी 2 क्लास तक चलता है, तो बेसिक चीज़ें लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको 4 से 5 क्लासें जो अगली हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखो, ये आपकी क्लास होती है लगभग 45 मिनट की, लेकिन मुझे जो ये बनाने में, सब कुछ चीज़ करने में, एक 45 की क्लास जो मिनट की है, उसमें मुझे लगभग लग जाते हैं 5 से 6 घंटे, ठीक है? तो दोस्तों देखो, नौकरी भी करनी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5 से 6 घंटे मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है? और कभी कभी 2 दिन भी लगातार ऐसा हो जाता है। तो ये जो 5 से 6 घंटे देने होते हैं, अब इनका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी हमने शुरू कर ही दिया है पढ़ाई, मार्च तक हमारा पूरा करने का इरादा भी है कोर्स को, लेकिन अब क्लास ऐसे डिस्टर्ब होगी तो कोर्स पूरा कैसे होगा? इसलिए मैं एक सॉल्यूशन इसका अभी मैंने सोचा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है कि वो सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ठीक है? पहली और दूसरी, कहीं पहली या दूसरी जो बेसिक क्लास है किसी बुक में नहीं मिलती, हम वो करेंगे प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद जो रूल हैं वो लगभग सारी जो बुक्स हैं कंपटीशन की अच्छी, उन सब में दिए हुए हैं। अब मैं नीतू मैडम की क्लास जो वो है बुक, उसे आपको सजेस्ट करता हूँ। तो बाकी जो रूल्स हैं, यानी 3 से 4 क्लास जो बीच की हैं, वो हम रूल्स कर लेंगे किससे? नीतू मैडम की बुक से सीधा। यानी बुक यहाँ पे, ये जो मैं बनाता हूँ स्लाइड, जो इसमें टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा। धीरे धीरे जितना टाइम मुझे लगेगा मैं स्लाइड बनाता रहूँगा, लेकिन जो टाइम कम मिलता है, या किसी दिन क्लास जो ये जो है, मतलब ये बनने की वजह से, स्लाइड बनने की वजह से जो स्किप होती है, वो स्किप होनी बंद हो जाएगी। बेसिक क्लास जो बुक में नहीं होती है वो मैं अलग से बना ही लूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस की क्लास हम अलग से बना ही रहे हैं लास्ट में, जैसे कि अभी आपकी चल रही है। तो 3 से 4 जो क्लास हैं, जो मेन मेन रूल, क्योंकि बुक में केवल वही रूल दे रखे हैं जो पेपर में आएंगे, उन्होंने समझाने के हिसाब से किसी भी बुक में नहीं दिया है, ठीक है? तो वो 3 से 4 क्लास हम वहां बुक से कर लें, और पहली और लास्ट क्लास हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम ऐसे स्लाइड बना के कर लें। तो इसका क्या फायदा होगा? कि इसका ये फायदा होगा कि क्लास स्किप नहीं होगी, चैप्टर हमारे लगातार होते चले जाएंगे, और बेसिक हम समझ ही लेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मतलब कोर्स आपका टाइमली खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं करता रहूंगा कोशिश,
बीच में के कम से कम एक चैप्टर में अगर इससे करा रहा हूं तो दूसरा चैप्टर में प्रॉपर करा लूं, ठीक है। यानी कि दूसरा चैप्टर में प्रॉपरली जैसे स्लाइड वगैरह बनाता हूं, यानी एक चैप्टर जब तक खत्म होगा तब तक मैं वो चीजें कंप्लीट कर सकता हूं दूसरे चैप्टर की। तो शायद अल्टरनेट चैप्टर को हम किताब से पढ़ लेते हैं और एक चैप्टर यानी किताब से एक अपनी स्लाइड से, एक किताब से एक अपनी स्लाइड से। तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल के एक बार बताना है कि किसी को इससे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आप लोगों को परेशानी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे यही चीज़ करने की, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है अभी पहली बार कोर्स ख़त्म करना, कोर्स ख़त्म होना चाहिए उसके बाद सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज आपका 4-5 मिनट मैंने ले लिया है। प्लस एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे आप ये मत डालिएगा कोई भी कमेंट के भैया रोज़ क्लास लो। अब मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि रोज़ ही क्लास ली जाए, लेकिन आप जो ये चीज़ मैंने आपसे पूछी है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ज़रूर ये बताना है, ठीक है। एक डाउट है पिछली क्लास का जो हमारी प्रैक्टिस क्लास 1 थी, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट। अब कुछ लोगों ने कहा है द लाइफ ऑफ द रिच आर क्यों नहीं लगाया भैया आपने। आर देखिए मैंने बताया था द रिच जब करता हो, जब सब्जेक्ट हो द रिच तो उसके साथ लगेगा आर, क्योंकि इसका मतलब होता है रिच पीपल, ठीक है। लेकिन यहां सब्जेक्ट द रिच नहीं है, यहां सब्जेक्ट है द लाइफ, जीवन। किन का जीवन? ऑफ द रिच, वो चाहे एक का हो चाहे 10 का हो, जो जीवन है यहां पे, जो लाइफ है, लाइफ होता है सिंगुलर नाउन, लाइफ क्या है सिंगुलर। अगर प्लूरल होता तो ये होता लाइव्स, ठीक है। तो लाइफ है सिंगुलर, अब सिंगुलर जो है हमारा करता है वो किसी का भी हो जीवन, ठीक है, किसी भिखारी का हो, अंधे का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, जीवन का मतलब ये सिंगुलर रहेगा। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट, इसलिए लगाया है आर, इसलिए नहीं लगाया है। अगर द रिच ही करता होता हमारा सब्जेक्ट तो फिर हम आर लगाते, लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट है द लाइफ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 50 हमने कर ली थी, 60 जो कॉमन एरर है उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। माई सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेस, ये हमने कई बार कर लिया है तो पेज आफ्टर पेज होगा, ठीक है। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। अब आपको ये भी पता है कजिन के बाद ना ब्रदर लगता है ना सिस्टर्स, हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये नाउन चैप्टर के हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। नाउन चैप्टर की जो कॉमन एरर है, ये 100-120 जो कॉमन एरर होंगी इसमें कुछ बचेगा नहीं, अब सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। ही टेक्स पेंस, पेंस जब कठिन परिश्रम करना होता है ना तो उसके लिए बोलते हैं ही टेक्स पेंस, ठीक है। पेन माने दर्द नहीं है यहाँ। ओवर हिज वर्क, वह अपने काम में यानी कि कठिन परिश्रम करता है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, क्राइटेरियंस वर्ड नहीं होता, क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्राइटेरियन होता है, या सिंगुलर होता तो क्राइटेरिया, और यहां है प्लूरल, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल लगता है, ठीक है, तो क्राइटेरिया होगा ना कि क्राइटेरियन, ठीक है। आई लाइक द पोइट्रीज, अब ये मैंने आपको बताया था भाई पोइट्री, ये पोइट्री वर्ड होता है, पोइट्रीज नहीं, या तो पोएम्स होता, पोइट्रीज नहीं होता ये, यानी कुछ नाउन ऐसे थे जिनका प्लूरल नहीं बन सकता था, ठीक है, तो पोइट्री ऑफ ब्रायन बायरन एंड शैली, ठीक है। आगे देखिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, अब ये भी हमने पढ़ा था, सराउंडिंग वर्ड नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वर्ड सराउंडिंग्स जो है उसका यूज होगा हमेशा, सराउंडिंग का नहीं। नो पोर्टल बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, ये तो कई बार आ चुका है, देखो लगेजेस वर्ड नहीं होगा, लगेज होगा, इसका आप ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट द टेबल्स लेग, देखिए बिल्कुल अब तो आपको ना अपने चैप्टर भी पढ़ लिया, एक जो है प्रैक्टिस सेट भी कर लिया, इसका मतलब तो बिल्कुल आसानी से होना चाहिए। द टेबल्स लेग तो होगा ही नहीं, क्योंकि टेबल की लेग, टेबल तो क्या है निर्जीव चीज है, तो निर्जीव के साथ तो अपोस्ट्रोफी लगता नहीं है, तो द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हैव बीन नहीं, हैज बीन, क्या होगा, हैज बीन, द लेग ऑफ द टेबल हैज बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ये भी सेम है पोइट्री की तरह, द सीनरी, ठीक है, सीनरी माने दृश्य, ऑफ कश्मीर इज वेरी इंचेंटिंग। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था टैलेंट क्या होता है, टैलेंट होता है इनबोर्न चीज, ठीक है। मान लो क्रिकेट आप खेलते हैं तो देखो सचिन है, विराट कोहली है, सारे लोग अगर कोशिश भी करें तो भी सचिन और विराट कोहली नहीं बन सकते ना, क्योंकि टैलेंट था उनके अंदर, ये पहले से ही था, ठीक है, उन्होंने इसे निखारा। और कुछ चीजें हैं जो हम यहीं आके सीखते हैं, उन्हें कोई भी सीख सकता है, ठीक है। तो ड्राइविंग जो है वो टैलेंट नहीं माना जाता, वो क्या माना जाता है, स्किल, क्या माना जाता है, स्किल। इसलिए टैलेंट वर्ड का यूज ना होकर किसका होगा,
स्किल वर्ड का यूज होगा. द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल. आगे देखिए, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. अब ये भी देखिए, ये भी हमने पढ़ा था, ग्राउंड और फ्लोर दो चीज पढ़ी थी. ठीक है, रूम का क्या होगा, जब बेडरूम में, बेडरूम का ग्राउंड होगा या फ्लोर होगा, सिंपल है, फ्लोर होगा. ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स भिक्षा. तो एक तो ये चीज देखिए कि ये प्लूरल होता है हमेशा, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए. ठीक है प्लूरल. और टू द पुअर, अब यहां देखिए द अगर पुअर से पहले लग जाती है तो इसका मतलब होता है गरीब लोग, तो फिर यहां एस लगाने की जरूरत ही नहीं रहती. ठीक है, अगर यहां द पुअर कर दिया इसका मतलब हो गया गरीब लोग, तो फिर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है. आर्म्स आर गिवन टू द पुअर. लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी. लेजर जो जरूरी टूल हैं किसके लिए, आई सर्जरी के लिए, हल्की जो आई सर्जरी है. अब सर्जरी क्या है, नाउन है, सर्जरी एक प्रक्रिया है, उसका नाम है, तो नाउन है. अब जब नाउन से पहले, और आई भी क्या है, आंख भी क्या है, ये भी नाउन है. मैंने आपको बताया था जब एक नाउन दूसरे नाउन से पहले आए तो वो किसका काम करने लग जाता है, एडजेक्टिव. सर्जरी कैसी सर्जरी, आई, आंखों की सर्जरी. ठीक है, और जब एक नाउन दूसरे का एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो हमेशा सिंगुलर में होगा. तो ये है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी. इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी. ये भी सेम है, देखो अगर अर्थ ना भी समझ में आए ना इसका पूरे का, तो अब ये देखो एबिलिटी माने योग्यता और एडमिनिस्ट्रेशन भी, दोनों नाउन है. आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा ये भी नाउन और ये भी नाउन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता. अगर इसका हमें बनाना हो क्या एडजेक्टिव, तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव. तो यहां देखो, यहां तो आंख को बनाया, लेकिन जिन वर्ड का पहले से ही एडजेक्टिव है वहां पे नाउन की फॉर्म नहीं लगाएंगे एडजेक्टिव का काम करने के लिए. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका पहले से ही एडजेक्टिव एक है, तो नाउन की जब विशेषता बताने के लिए वर्ड यूज होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, क्योंकि ये स्पेशली किसके तौर पे काम करने के लिए बना है, एडजेक्टिव के तौर पे, ये जो है नाउन के तौर पे. तो अगर जैसे नहीं होता इसकी, इसकी कोई एडजेक्टिव फॉर्म ही नहीं होती, तब ये नाउन इसके नाउन के आगे आ सकता था और एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता था. ठीक है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर द हायर मीट कॉस्ट. कॉस्ट माने कीमत. हम फिर देखिए, किसी एक चीज की कीमत के लिए हम कभी प्लूरल वर्ड यूज नहीं करेंगे. हायर मीट कॉस्ट टू कम. ठीक है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल. होलसेल क्या होता है, होलसेल फुटकर एक तो, और एक थोक में, तो होलसेल थोक के लिए बोलते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माने, इंडिकेशन माने जो इशारा करे कोई चीज, फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम. यहां कॉस्ट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा. ठीक है, Whenever he goes to Mumbai, he stays in five star hotels. देखिए ये क्या है, five stars. Hyphen है ना बीच में, तो hyphenated noun जो है कभी भी किस में नहीं होंगे, plural में नहीं होंगे. तो whenever he goes to Mumbai, जब भी वो मुंबई जाता है तो वो पांच सितारा होटलों में रहता है. तो होटलों में, पांच सितारा तो क्या है, एक तरह से इसका adjective के तौर पर, कैसे होटल, पांच सितारा होटल. ठीक है, The company has ordered some new equipment. Equipment रहेगा, equipments नहीं होगा. देखे थे हमने कुछ नाउन जिनमें एस नहीं लगता है, बिना एस के भी वो प्लूरल रहते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज आपको पहले भी पढ़ा था, ब्रीज जो वो तो हल्की हल्की हवा होती है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इसके साथ नहीं आना चाहिए था. लेकिन ब्लू हिज कैप ऑफ, जो कैप कोई नीचे उतार दे, नीचे गिरा दे, तो वो तो ब्रीज नहीं हो सकती ना हल्की वाली, तो स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि तेज हवाई उतार सकती है कैप को. तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स, मैंने पहले भी कहा था वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसमें क्या होगा, वो प्लूरल में हो जाएगा. वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ. हिंदुओं के बीच जो सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वास है उनमें से एक ये है कि कर्म जो है वो उनके जीवन को प्रभावित करता है और जीवन के बाद मृत्यु को भी प्रभावित करता है. ठीक है, अफेक्ट माने प्रभावित करना, ये वर्ब है. एक होता है इफेक्ट माने प्रभाव, वो नाउन होता है. ठीक है, ही वॉज एडवाइज टू टेक टू स्पूनफुल्स. बताया था पहले ही, स्पून तो वही रहेगी, फुल करना है दो बार,
तो ही वॉज एडवाइज टू टेक टू स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसन टू टाइम्स ए डे, उसे सलाह दी गई थी कि दो चम्मच मेडिसन दिन में दो बार ले। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ए बिग ब्लंडर। देखिए बड़े आसान है, तो ब्लंडर से पहले तो बिगाएगा ही नहीं, ब्लंडर माने तो अपने आप ही बड़ी भूल होती है, बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है, इग्नोर माने क्या होता है, किसी चीज को अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा करना। ठीक, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन वैसा वर्ड है, इसमें एस नहीं लगा सकते, अगर इसका प्लूरल या सिंगुलर करना है तो यहां कुछ लगाना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा टू पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एस तो हटना ही हटना है, टू पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैनी पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा। ठीक है, दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। पुलिस को दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं जो उन्हें ट्रिपल मर्डर केस का हल करने में यानी उसे सॉल्व करने में मदद करेंगी। ठीक है, द शीव्स, देखो शीफ जो है इसका क्या होता है, शीव्स होता है, ध्यान रखना, शीफ जो है इसका प्लूरल होता है शीव्स, ना कि एस लगना है। ठीक है, द शीव्स ऑफ द वीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, ये कई बार आता है भाई, देखो अगर समझ में भी नहीं आता है तो एक सेंटेंस से रट भी सकते हो, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, जो भारत की पॉपुलेशन माने जनसंख्या है वो दो श्रेणियों में बटी हुई है, हैव्स, हैव्स माने, हैव माने रखना कोई चीज, यानी जो कुछ रखते हैं यानी जिनके पास कुछ है, तो हैव्स एंड, अब देखो ये जब दोनों वर्ड यूज होंगे ना तो यहां होगा हैव नॉट्स, हैव नॉट्स का यूज होगा, ना कि हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये ध्यान रखना है, हैव्स माने जिनके पास सब कुछ है समृद्ध, एंड हैव नॉट्स जो कि गरीब लोग हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, उसकी सारी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो पूरी तरह से यानी बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, सहयोग करने वाली हैं, एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, और वो अपनी जो असली बहन है उनको भी बिल्कुल मिस नहीं करती। अब इसमें क्या है, ऑल आया, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल मैंने बताया था कि जब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कुछ भी आए तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, यानी ये जो वर्ड है इसमें एस लगेगा। ठीक है, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। ठीक, आगे देखिए, एनवाई स्ट्राइक्स ए वोमैन वेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमैन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं जेलसी, अगर कोई सेंटेंस दोबारा आता है ना तो ये भी मत सोचना कि भाई ये तो पहले पढ़ लिया है, हाँ हाँ ये बार बार ही पढ़ने होते हैं, ये बार बार ही प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। ठीक है, एक बार से नहीं आएगा, अगर एक बार आपने कर लिया ऐसा नहीं है कि फिर वो पक्का हो गया, ये बार बार जितनी भी बार आप पढ़ लोगे उतनी बार कम है। ठीक है, टू समन्स, समन्स वर्ड हमने बताया था, देखो समन्स जो है सिंगुलर है, अगर प्लूरल बनाना है, अब एक से ज्यादा अगर कोई संख्या लगी हुई है, टू अगर यहां लगा हुआ है तो टू बॉय नहीं कर सकते आप कभी भी, टू बॉयज करना पड़ेगा, टू गर्ल्स करना पड़ेगा, तो ऐसे ही टू समन्स, ये इसका प्लूरल लगाना पड़ेगा, इसका प्लूरल बनता है समन्सेज, क्या बनता है समन्सेज, टू समन्सेज हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, अपीयर माने होता है हाजिर होना, सामने सामने, ठीक है सामने हाजिर होना। द वैद्याज, अब देखो ये गोत्र है, द वैद्याज, द भाटीज, द नागर्स, द मलिक्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जितना भी, जितने भी गोत्र हैं सब कुछ हो सकते हैं, तो जब वो गोत्र को ना प्लूरल बनाया जाए तो उसमें अपोस्ट्रोफी का कभी भी प्रयोग नहीं होगा, ये प्लूरल बनाया है, द वैद्याज मतलब वैद्य लोग, यानी जो कि वैद्य गोत्र से संबंधित हैं, हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट ए डिकेड, जो वैद्य लोग हैं यानी वैद्यों का जो परिवार है वो यहाँ पे लगभग एक डिकेड, डिकेड मन होता है दशक, दस साल का पीरियड, वो लगभग दस साल से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो ना होके भाटीज होता ना तो वो भाटीज भी ऐसे होता, कौमा नहीं होता, क्योंकि भाटीज अगर कौमा लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है, तो भाटी का की के, यानी उससे संबंधित कोई चीज। ठीक है, जैसे अगर ये होता भाटीज व्हीकल, तो अब इसका मतलब है भाटी का व्हीकल, यानी कोई एक पर्टिकुलर भाटी, किसी एक भाटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां अगर किसी एक पूरे परिवार के बारे में बात हो रही है
तो ठीक है, उसके लिए फिर कॉमा लगा के एस नहीं लगाते, सिंपल भाटीज करेंगे, ठीक है, सिंपल नागर्स कर देंगे, ठीक है, सिंपल अगर मतलब शिशोदियाज कर देंगे, कुछ भी जो गोत्र है उसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यू आर अमंग दोज मैन, अब दोज दीज के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आता भाई नाउन, देखो यू आर अमंग दोज मैन, MEN करना पड़ेगा, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ, फिर से याद करो, मिसचीफ वर्ड ऐसा था जिसमें SEIs लगा ही नहीं सकते थे, इन्फॉर्मेशन की तरह ही था, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, बच्चे खेल रहे हैं और शरारत कर रहे हैं क्योंकि उनके जो हॉलीडे यानी उनकी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आशा आप लोगों को यहां तक समझ में आए होंगे। आगे देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, शीप जो है इकोनॉमिकली माने आर्थिक तौर पे यूजफुल माने लाभदायक होती हैं, और इसीलिए वो वूल के लिए भी और मीट के लिए भी उनका यूज हो रहा है, ठीक है। तो शीप जो वर्ड है वो सिंगुलर में भी वही है शीप और प्लूरल में भी, तो शीप आर, ठीक है, शीप आर ही लग जाएगा, शीप्स लगाने की जरूरत नहीं है। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर, मैंने पत्र पढ़ा और उसे जानकारी दी ऑफ इट्स कंटेंट, कंटेंट वर्ड ही नहीं होता भाई, कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स का मतलब है जो जो उस लेटर में था, अगर बुक है तो बुक के शुरू में ही होता है कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब है इस बुक में क्या क्या है, उन चैप्टरों के नाम लिखे हो सकते हैं, उन टॉपिकों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, तो कंटेंट्स वर्ड होगा, कंटेंट होगा नहीं। आई शैल नॉट गो टू द पार्टी, गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, देखो वर्क भी वही है, ये भी अनकाउंटेबल माना जाता है, अकाउंट नहीं कर सकते, तो फिर से क्या करेंगे, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है, मैनी वर्क्स नहीं कर सकते, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड, यहां देखिए वर्ड, वर्ड माने शब्द और वर्ड्स माने बहुत सारे शब्द, लेकिन वर्ड माने एक होता है प्रॉमिस टाइप, ठीक है, ट्रू टू वर्ड होता है, ट्रू टू वर्ड यानी वादे का पक्का, तो यहां पे क्या है, ट्रू टू वंस वर्ड, वर्ड होना चाहिए था, यहां वादे के सेंस में यूज हुआ है, वर्ड्स तो तब होता जब शब्दों के सेंस में यूज होता, तो वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वॉन्ट्स टू, अब वन देखो कर्ता के तौर पे यूज हुआ है तो अपने की अंग्रेजी भी वंस लगेगी, ठीक है, फिर से वन ही यूज हुआ है, ठीक है, और अपने लिए होता तो वन सेल्फ भी यूज होता, यानी अगर कर्ता जो है वन है तो अपने की अंग्रेजी वंस, खुद के लिए वन सेल्फ, ऐसे यूज होता है फिर, ठीक है। इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, यानी बहुत सारे एक्ट और प्रोविजन जो हैं वो लागू हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी वी कैन सी, हम देख सकते हैं 5 ईयर ओल्ड बॉयज, अब ये देखो पूरा है 5 ईयर ओल्ड बॉयज, ये पूरा फ्रेज है, ये बॉय है, बॉयज कैसे, 5 साल के भी लड़के, यानी 5 साल जिनकी उम्र 5 साल है केवल, तो 5 ईयर ओल्ड आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। वी कैन सी 5 ईयर ओल्ड बॉयज वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज, ठीक है। आगे देखिए, द फैंस ब्लेड, फिर से वही टेबल्स लेग वाला, द ब्लेड ऑफ द फैन हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट। शी वियर्स स्पेक्टिकल, वर्ड ही नहीं होता, देखो गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये तो बताया था ना, स्पेक्टिकल्स रहेगा, वह स्पेक्टिकल पहनती है, एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, इसलिए वह अनेबल थी टू सी द गैंगस्टर, उस गैंगस्टर को देखने के में वो अक्षम रही, यानी नहीं देख पाई, दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, जिसने उस पर कल रात आक्रमण किया था। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होगा ही नहीं, ऑल द फर्नीचर हैज, ठीक है, ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन ए हरी हरी माने जल्दी में टू लीव द टाउन। द एंग्री मॉब, देखो मॉब का मतलब ही होता है क्या, क्रोधित भीड़, इसलिए एंग्री लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, द एंग्री क्राउड ठीक था, मॉब के साथ जरूरत नहीं है। द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स, मॉब ने अटैक कर दिया पुलिस ऑफिसर्स पर, वेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, जब वो इलीगल माने गैरकानूनी, कंस्ट्रक्शन माने निर्माण कार्य, ठीक है, ये ध्यान रखना, इलीगल गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, धीरे धीरे एक एक वर्ड ऐसे ही करते चले जाओगे तो वोकैब अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, फिर देखो ये लगेजेस बहुत बार आता है,
दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन. ठीक है, गलती से उन्होंने लगेज जो है वहीं छोड़ दिया घर पे ही, और कहां चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए. ठीक है, आगे देखिए. द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल एज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स. अब गियर माने, देखो जो कार का जो गियर है, एक बात आपको पता होगी कि गियर जो है कार एक टाइम पे एक ही गियर में रहेगी, चाहे चौथे में रहे, चाहे पहले में रहे, चाहे दूसरे में रहे, चाहे तीसरे में रहे. ठीक है, तो गियर होगा ना कि गियर्स, इन द रॉन्ग गियर. ठीक है, द टिकट विंडो. अब ये ध्यान रखना, जो टिकट है उसके लिए काउंटर वर्ड का यूज सही माना जाता है. द टिकट काउंटर रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे. टिकट काउंटर पूरे दिन बंद रहा. ठीक है, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड कोथर्ड एंड डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स कॉमा वाज. अब देखो यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आए बेशक आपके, लेकिन आप जैसे ही पढ़ोगे ना, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है, वन ऑफ आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में. इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स. तो क्या आया नाउन, नाउन क्या है इन सब में से, फिल्म मेकर. और फिल्म मेकर का मेकर्स करेंगे क्योंकि वन ऑफ आया हुआ है. वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड. ये मोस्ट टैलेंटेड क्या है भाई, देखो ये टैलेंटेड से पहले मोस्ट लगी है, इसका मतलब होगा एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव है तो नाउन तो नहीं है, और एडजेक्टिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है. इसका मतलब फिल्म मेकर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए. तो सत्यजीत रे हु कंसीव्ड कोथर्ड, कोथर्ड माने साथ साथ में लिखते हैं जब एक चीज को. ठीक है, एंड डायरेक्टेड वही डायरेक्टर जो होता है, ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स कम आवाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स. ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक. मैं, मेरा मानना है कि तुम्हारी बुक नहीं है, इट इज समबड़ी एल्स. ये मैंने बताया था आपको कि जब समबड़ी और एल्स एक साथ आए तब काकी के की अंग्रेजी के लिए क्या लगाते हैं, एल्स में लगाते हैं, एल्स. दिस इज समबड़ी एल्स. आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज समबड़ी एल्स. यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर. अब यहां देखो भाई, ये साइन जो है ना दो तरह से यूज होता है. साइन है, ये तो है क्रिया, यानी जब ये वर्ब की जगह यूज होगा तो साइन ठीक है. ठीक है, साइन साइंड. और जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, फिर ये होगा सिग्नेचर. ठीक है, सिग्नेचर. तो यू शुड नॉट पुट योर साइन. अब यहां देखो योर क्या है वर्ड, योर तो क्या है पजेसिव, पजेसिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है. तो यू शुड नॉट पुट, और वैसे भी वर्ब यहां पुट लिख दी, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर वर्ड यहां यूज होगा. ठीक है, क्योंकि योर इससे पहले आया हुआ है, वर्ब से पहले थोड़ी आता. यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर. तुम्हें अपना सिग्नेचर किसी ऐसे पेपर पर नहीं करना चाहिए दैट यू हैवंट रेड, जो तुमने नहीं पढ़ा है. तो ये ध्यान भी रखना है. ठीक है, ये चीजें ध्यान भी रखनी है, कल को तुम्हें भी फॉर्म भरने होंगे कहीं पे. तो ऐसा नहीं है कुछ भी बिना आंख बंद किए ही अपना आंख बंद करके ऐसे ही साइन कर दिए. ठीक है, आगे देखिए. टाउन्स आफ्टर टाउन्स, देखिए अब तो देखने के बाद तुरंत ही पता चलना चाहिए आपको टाउन आफ्टर टाउन होगा, क्योंकि नाउन ये क्या है, प्रीपोजिशन, और नाउन नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसे हो, और नाउन जो है सिंपल दोनों सेम हो. नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाज, यहां भी क्या होगा वाज. कंकर्ड माने जीतना, जीता गया बाई हिम बट ही फाउंड नो पीस. एक के बाद एक कस्बे उसने जीते लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिली. वेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड. जब जगह की बात हो ना, कि हम वहां गए तो देखा, हम स्टेडियम में गए तो देखा जगह नहीं थी, हम किसी पार्टी में गए तो देखा नहीं थी जगह, तो वहां वर्ड रूम यूज होगा जगह के लिए. क्रिकेट आपने सुनी होगी पहले कमेंट्री, कभी अगर जो थोड़ा बहुत रेडियो पे सुनते हो तो हिंदी में बोलते हैं रूम बना के खेला. तो रूम बना के मतलब ऐसा थोड़ी है कि पहले कमरा बनाया फिर क्रिकेट खेला. रूम बना के मतलब जगह बना के, जहां जगह, जगह के सेंस में भी रूम का यूज होता है. ठीक है, व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड. तो नो रूम टू स्टैंड. ऑल द एविडेंस, एविडेंस आएगा, एविडेंसेज आएगा ही नहीं. ठीक है, एविडेंसेज नहीं होता वर्ड, एविडेंस ही होता है. माई कजिन ब्रदर, फिर से देखो सिंपल. अब इतनी प्रैक्टिस के बाद ना, अगर आपने दो तीन बार पढ़ा होगा तो ये अपने आप ही पढ़ते ही पता चलेगा ये गलत है. माई कजिन ब्रदर, ब्रदर तो आएगा ही नहीं. माई कजिन इज ए चीटर एंड ही चीट्स. अब यहां ही है, इसका मतलब अपने आप ही पता चल गया कजिन क्या है. ये कजिन जो है मेल है, भाई है यानी. ठीक है, तो माई कजिन इज ए चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू. द
कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन. देखो फाइनल कंक्लूजन माने होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष किस चीज को बोलते हैं, जब सब कुछ सोच समझने के बाद कुछ लास्ट में कुछ निकले उसे बोलते हैं कंक्लूजन. जब लास्ट में ही निकला है तो फाइनल वर्ड लगाने की क्या जरूरत है, तो ये सुपरफ्लूअस है यहां, यानी गलत फालतू में ही है. तो द कमेटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, फाइनल वर्ड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कीमत पे. ठीक है. 51. द कैटल इन द मीडो वाज. अब देखो कैटल, कैटल हमने पढ़ा था, कैटल प्लूरल होता है. क्या होता है? प्लूरल. तो इसके बाद क्या आना चाहिए था? वाज आना चाहिए था, वर. ठीक है. और कभी कभी क्या आ सकता है? कैटल्स दे सकता है यहां पे, तो कैटल्स भी नहीं आएगा. ध्यान रखना है आना भी कैटल ही है, और वो यूज भी कैसे होगा? प्लूरल की तरह. तो द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ ए लॉयन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर. ठीक है. दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स. पिछले में ही मैंने कराया था, स्टोन्स ना होके स्टोन होगा, क्योंकि वो घर किससे बनाया हुआ है? वो घर पत्थर का बना हुआ है, यानी पत्थर वहां पे बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है. ठीक है. दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, या दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा. ठीक है. संतोष लिव्स बाई, संतोष जीवन जीता है, द प्रिंसिपल्स ही पजेसेस उन. अब प्रिंसिपल क्या होता है? देखो प्रिंसिपल दो होते हैं. प्रिंसिपल, ये जो PAL है इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य या मुख्य. ठीक है. और एक होता है जो प्रिंसिपल, वो होता है क्या? प्रिंसिपल माने सिद्धांत. तो आदमी किसके उससे जीता है, प्रधानाचार्य के पास या सिद्धांतों के अनुसार जीता है? सिद्धांतों के अनुसार जीता है ना. तो वो जो सिद्धांतों वाली अंग्रेजी है वो यहां लगेगी, तो उसमें क्या होगा? PAL की जगह क्या हो जाएगा? PLES. संतोष लिव्स बाई द प्रिंसिपल्स ही पजेसेस. ठीक है. द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्स द फ्यूचर. अब देखो एक आध गलती ऐसी भी आती है. एस्ट्रोनॉमर माने होता है क्या? अंतरिक्ष यात्री. ठीक है. अंतरिक्ष के बारे में जो मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो अध्ययन करता है वो. तो एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा यहां. क्यों? क्योंकि इसने आगे लिखा है हु प्रिडिक्ट, जो प्रिडिक्ट करता है, पहले ही बताता है. फ्यूचर माने भविष्य के बारे में, तो भविष्य के बारे में एस्ट्रोनॉमर नहीं बताता है. भविष्य के बारे में क्या बताता है? भविष्य के बारे में बताता है एस्ट्रोलॉजर, यानी भविष्य वक्ता. ठीक है. तो एस्ट्रोलॉजर वर्ड आएगा, ना कि एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि भविष्य को बताने का काम एस्ट्रोलॉजर करता है, ना कि एस्ट्रोनॉमर. ठीक है. ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस. देखिए फिर से डेवलप उस्ट्रोफी है. ही टोल्ड मी दैट इट वॉज द हाउस, बताया था मैंने पहले लास्ट वाला सबसे पहले, ऑफ हिज फ्रेंड शंकर. ठीक है. इट वॉज द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर. ठीक है. ही टोल्ड मी दैट इट वॉज द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड शंकर. ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, फिर देखिए मिनिस्टर वर्ड में लगेगा केवल, चीफ में नहीं लगेगा. ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स. ठीक है. जो दयनीय स्थिति है, पिटिएबल कंडीशन माने दयनीय स्थिति, अपने राज्यों की जो दयनीय स्थिति है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स. द डॉक्टर सेज दैट अ 2 माइल वॉक, फिर से देखो ये क्या है? हाइफन, दोनों के बीच में हाइफन है, इसलिए इसमें प्लूरल होगा ही नहीं. हाइफनेटेड नाउन का प्लूरल नहीं बनता, हमने पढ़ा है. द डॉक्टर सेज दैट ए 2 माइल वॉक ऑलवेज कीप्स पीपल हेल्दी एंड फ्रेश. द हैव्स शुड नॉट लुक विद कंटेम्प्ट एट द हैव नॉट्स, अभी पढ़ा था हमने. हैव नॉट्स, हैव्स माने जो अमीर लोग हैं उन्हें विद कंटेम्प्ट, घृणा से नहीं देखना चाहिए. किसे? गरीब लोगों को. ठीक है. रादर दे शुड एनकरेज देम टू अर्न देयर लिवलीहुड. उसके अलावा, इसके बजाय, उन्हें एनकरेज माने उत्साहित, प्रोत्साहित करना चाहिए गरीबों को. टू अर्न माने कमाने के लिए, देर माने उनकी, लिवलीहुड माने जीविका, यानी जीने का साधन कमाने के लिए उन्हें तो बल्कि क्या करना चाहिए, उन्हें अमीर लोगों को, गरीब लोगों को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए. द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर वर्ड नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है, ध्यान रखना है. ठीक है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस इज इन दिल्ली. इट इज स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट. हेडक्वार्टर जो दिल्ली का, दिल्ली पुलिस का दिल्ली में ही है. ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, बड़ी विचित्र बात है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता. ये इसकी हिंदी हो गई. टू समन्स, फिर से देखो वही समन्सेज होगा, टू समन्स होगा ही नहीं. टू समन्सेज हैव बीन इशूड टू मोहन फॉर अटेंडिंग द कोर्ट ऑन 25th
फरवरी 2018, अब तो 20 कर सकते हैं इसे हम, ठीक है। आगे देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, अब फिर से सराउंडिंग्स आएगा, ठीक है, ऑफ द प्लेस अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। पैलेस, महल की जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, चारों तरफ का माहौल है, वो अट्रैक्ट करता है लॉट ऑफ टूरिस्ट को, ठीक है। द सीनरी, फिर से देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ शिमला, द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरीज नहीं होगा। रवि यूजेज ए फाइन शैम्पू एंड सो हिज हेयर इज ब्लैक एंड सिल्की, जब एक जैसे बाल हैं तो हेयर ही वर्ड यूज होता है, ठीक है, और इज, अगर कुछ बाल सफेद होते कुछ काले होते तो वहां पे हम अलग अलग यूज कर देते हैं, एक जैसे बाल हैं सिल्की हैं काले हैं तो हेयर इज वर्ड यूज होगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मिल्टन्स पोइट्रीज, यहाँ पे फिर से देखो पोइट्रीज वर्ड तो है हो गई नहीं, पोइट्री होता है, हमने आज भी पढ़ा है एक बार पहले, मिल्टन्स पोइट्री आज आर कंसिडर्ड टू हैव ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, डीप माने गहरी, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, ह्यूमन नेचर माने मानव स्वभाव की, जो मिल्टन की पोइट्री हैं वो मानी जाती हैं कि उनमें क्या होती है, मानव स्वभाव की एक गहरी समझ होती है। व्हेन आई सॉ हिज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग वर्ड होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग माने संतान। व्हेन आई सॉ हिज ऑफस्प्रिंग आई कुड नॉट बिलीव दैट ही वाज अबव 50 ईयर्स, अब देखो अगर आपको पता ही नहीं है ना तो ऑफस्प्रिंग जो है इसमें एस आएगी, अगर इसमें एस आएगी तो हटानी है, और सराउंडिंग में अगर नहीं आई तो वो जोड़नी है, तो ये आपने दो चार बार नहीं पढ़े होंगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि सराउंडिंग्स में हटानी थी या जोड़नी थी, और ऑफस्प्रिंग में भी हटानी थी या जोड़नी थी, तो जो प्रैक्टिस है ना ये आपको परफेक्ट बनाएगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि आज कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है कि क्लास भैया रोज लो, अब क्लास रोज ही रहेगी, लगभग रोज रहेगी एक आध दिन को छोड़ के, या तो 7 AM ही, जिस दिन 7 AM मिस हो जाए आप एक बार 11 बजे और चैनल देख लीजिएगा, क्योंकि 7 AM अगर मिस होती है तो फिर सीधे 11 बजे क्लास आएगी, अगर 11 बजे भी नहीं आई तो फिर अगले दिन ही क्लास आएगी, लेकिन ये पक्का है कि कल क्लास आएगी, और कल हम प्रोनाउन जो है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर का वो शुरू करेंगे। मैंने बताया था दो दो, हमने जितने 6 चैप्टर 3 चैप्टर किए हैं उनके दो दो लेसन हम, यानी दो दो वीडियो हम बनाएंगे, किस पे, उनकी कॉमन एरर पे, जिससे कि पूरा के पूरा जो है वो हमारा रिवाइज हो जाए, और ये नाउन आज देखने के बाद आपको पता भी चल रहा होगा कि लगभग रिविजन पूरा हो रहा है हमारा, यही सारे रूल हमने पढ़े थे, एक आध और रह सकता है। इसमें भी मैंने ज़्यादा जोर किन पे दिया है, ज़्यादा जोर मैंने उन्हीं नियमों पे दिया है जो पेपर में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक ऐसा है कि 10 साल में एक बार आया, एक ऐसा है कि हर साल आ रहा है, तो हर साल वाले 3-4 एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है। प्लस मेरा मेन फोकस रहा है दो बुक्स पे, एक तो जो केडी कैंपस की नीतू मैडम की बुक है वो, और एक जो होती है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत अच्छी बुक है वो भी, तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी ले लो, आप जिसे लेनी है अपने आप वो ले सकता है बेशक, मैंने तो एक ही बुक बताई थी आपको नीतू सिंह मैडम की, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो उसके बाद भी अगर किसी को एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है हेड कॉन्स्टेबल उसी की तैयारी है तो एक बुक बहुत रहेगी, उसके साथ साथ आप बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि बुक से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये केवल वीडियो पर डिपेंड रहने से ना फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई बार आपकी दो वीडियो मिस हो गई, उनमें कुछ मटेरियल चला गया, और बुक में दो चार जो रूल है ना वो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो अब अगर उसी बुक से हमारे ज़्यादातर रूल रहेंगे तो उसे आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी इस बुक का PDF भी मैं शेयर करूँगा, अगर किसी को बुक नहीं लेनी है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरा कोई ऐसा कमीशन वगैरह नहीं है वहाँ से। अगर आपको लगता है ठीक कि आपको बुक, अगर आपको लेनी ही है कोई सी बुक, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो बुक ले लीजिए, अच्छी बुक है। अगर आपको बुक लेनी नहीं है तो उसका PDF मैं जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसका PDF मैं आपको दूंगा भी, अपना PDF भी दूंगा, और नीतू सिंह मैडम का जो बुक है वो ऑनलाइन भी गूगल पे भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज क्लास में थोड़ी सी, क्लास के साथ साथ ये जानकारी भी होगी है, जिससे थोड़ा सा तुम्हारा टाइम तो बिगड़ा है, लेकिन जो है ये भी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम आपका ले लिया। कल जो है प्रोनाउन की क्लास आएगी, प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट आएगा, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। जो अगला चैप्टर चलेगा ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव की दो दो क्लास होने के बाद, वो या तो रहेगा आर्टिकल,
और या रहेगा एडवर्ब, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब ये मैं या इसलिए बता रहा हूं कि आप दोनों को पढ़ के रखिए पहले, अगर आप पहले थोड़ा सा पढ़ के रहेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे दो टेलीग्राम चैनल हैं, ये रोजगार विदंकित और रोजगार अंगिरा कोचिंग और रोजगार विदंकित, ठीक है। और रोजगार विदंकित नाम से ही हमारा क्या है, ये यूट्यूब चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।